जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आप कि सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शनि के राशि परिवर्तन से जिन 6 राशि के जातकों के विवाह सगाई के योग बन रहे हैं उनके लिए अचानक से रिश्ते आ सकते हैं, अच्छे घर में उनकी शादी हो सकती है, यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। वहीं अगर आप अपने खास को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपने खास का नाम जो है व्हाट्सएप करें। हम आपको आपके जो रिश्तेदार दोस्त हैं उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं अगले वीडियो में अवश्य ही देंगे, साथ ही उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना और याचना भी करेंगे ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति का आगमन हो। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते। तो आपको बता दें कि केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी, सगाई संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है और यह जानकारी ए से लेके जेड तक यानी विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आप लंबे समय से परेशान है, आपके माता परेशान है, तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा सकते हैं। कुंडली के विश्लेषण से यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपकी शादी में मुख्य बाधा क्यों आ रही है और किस वर्ष तक किस महीने में आपकी शादी होने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपको दिन भी बताया जाएगा कि किस दिन में आपकी शादी के योग बनेंगे। इसके अलावा विस्तार पूर्वक यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पति सरकारी नौकरी वाला, निजी कंपनी में कार्यरत होगा या कारोबारी होगा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। आप दोनों माध्यम में किसी एक माध्यम का चयन कर सकते हैं, या तो आप मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो आप लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी असुविधा के लिए कुंडली में विलंब हो रहा है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी जातकों से मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं और केपी की वाणी से व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हाँ, कुंडली बनाने अथवा कुंडली की जानकारी देने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी होने वाली है, तय हो चुकी है, तय होने वाली, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय या सुखमय बीतने वाला है, आपके बीच संबंध कैसे रहेंगे, निकटतम संबंध मधुर रहेंगे अथवा उसमें किसी प्रकार की दरार आने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है, मैंने हर वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी नए व्यूजर्स के लिए बता दूं कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराते हैं और उसमें नारी दोष लगता है, भकुर दोष लगता है, तो उसका निवारण अनिवार्य होता है और निवारण पश्चात ही परमेश सूत्र में वंदना श्रेष्ठ कर होता है, तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नए साल का आगाज हो चुका है, साल 2023 का आगाज हो चुका है और महज 5 दिनों के बाद खरमास समाप्त होने वाला है। खरमास के पश्चात जो है विवाह संबंध और सगाई संबंध के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सूर्य धनु राशि में है और 14 जनवरी को सूर्य जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि शुभ कार्य किए जाएंगे। तो 14 जनवरी के पश्चात यानी 15 जनवरी से जो है विवाह मुहूर्त के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, शुभ मुहूर्त और शुभ मंगल कार्य किए जा सकते हैं। तो इसके 2 दिनों के पश्चात सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का। हालांकि सबसे ग्रह राशि परिवर्तन हो चुका है जब मीन राशि में गुरु विराजमान हुए हैं। इसके अलावा जो है शनि जो है साल 2023 में सबसे बड़ा बदलाव जनवरी में लाने वाले हैं और मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि में प्रवेश करने से जो है कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, वहीं मकर राशि के जातकों पर 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ होगा। वहीं कुंभ राशि के अलावा मकर राशि और मीन राशि के जातकों पर जो है 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा समय जो है
प्रतिकूल होने वाला है तो आप भगवान शिव जी के शरण चरण में रहिए, आपको उनकी कृपा अवश्य बरसेगी। जल में काले तिल मिलाकर रोजाना शिवलिंग पर अर्घ दे वर्तमान समय से लेकर आप 7:30 के अंतरकाल तक। इसके अलावा जो है जब भी समय मिले आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इस जाप के करने से भी जो है 7:30 प्रभाव से आप बच सकते हैं। वहीं आप शनिदेव की याचना आराधना और प्रार्थना अवश्य करें और ओम श्री कृष्णस्वाय नमः मंत्र का जाप रोजाना अवश्य करें। इसके अलावा नीलांजन समाभासम यवितवीपुत्रम यमाग्रज छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का भी रोजाना कम से कम 5 बार अवश्य जाप करें तो आपको 7:30 के प्रभाव से जो है मुक्ति मिल सकती है, उसके प्रभाव आपके लिए जो है असरकारी नहीं होंगे। तो शनि का जो है राशि परिवर्तन 17 जनवरी को हो रहा है, 17 जनवरी को जो है शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए और मीन राशि के जातकों के लिए अचानक से रिश्ते आने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो वर्तमान समय में जो है मेष राशि में जो है राहु का गोचर हो रखा है तो राहु जब भी किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के जातक के लिए अचानक से ही सब कुछ होता है, अचानक से उनके जो है धनागमन होते हैं, अचानक से ही धननाश होता है, अचानक से उनके लिए रिश्ते आते हैं और अचानक से रिश्ते तय भी होते हैं, अचानक से रिश्ते टूट भी जाते हैं। वहीं वर्तमान समय में केतु तुला राशि में विराजमान है तो तुला राशि के जातक, मेष राशि के जातक, इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के जातकों को 7:30 से मुक्ति मिलने वाली है तो इस वजह से धनु राशि के जातकों के लिए शुभ समय प्रारंभ होने वाला है 17 जनवरी के पश्चात। तो कुल मिलाकर कहे तो शनि के जो राशि परिवर्तन से 6 राशि के जातकों के लिए शुभ संयोग बन रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आइए इसे बारी बारी से जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अचानक रिश्ते आ सकते हैं, तो अचानक रिश्ते तब आते हैं जब विवाह भाव में कोई अशुभ ग्रह उपस्थित होता है, खासकर राहु और केतु उपस्थित होता है। तो वर्तमान समय में मेष राशि में राहु और तुला राशि में केतु विराजमान है और तो इस वजह से मेष राशि और तुला राशि के जातकों के लिए ऐसे योग बन रहे हैं। साल 2022 के पश्चात साल 2023 में जो गुरु है वो गोचर करेंगे मेष राशि में और मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो तुला राशि के जातकों की कुंडली के 7वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इस वजह से भी उनके लिए प्रबल योग बनेंगे। तो अचानक से रिश्ते इन दो राशि के जातकों के आ सकते हैं। वहीं शनि के राशि परिवर्तन से शनि के कुंभ राशि में गोचर करने से 3 राशि के जातकों के लिए भी योग बना रहा है अचानक से, वो है मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। वहीं बात करें धनु राशि के जातकों की तो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ समय है क्योंकि धनु राशि के जातकों को 7:30 से मुक्ति मिल जाएगी 17 जनवरी के पश्चात और फिर आपके लिए प्रबल योग बनेंगे। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं जिन्हें आप अवश्य करें। अगर आप लड़कियां हैं तो गुरुवार का व्रत करें, लड़के हैं तो शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, सोमवार का व्रत रख सकते हैं। वहीं सोमवार के दिन लड़की की जो माता है वो श्रृंगार का सामान जो है वो माँ भगवती की मंदिर जाकर माँ भगवती को भेंट करे। इसके अलावा लड़के की जो माँ है वो श्रृंगार का सामान शुक्रवार के संध्या काल में किसी अविवाहित स्त्री को अवश्य ही दान में दे। तो ऐसा करने से जो है शुक्र मजबूत होता है, विवाह के प्रबल योग बनते हैं। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों के शादी के योग प्रबल बनते हैं, वहीं गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों के शादी के योग प्रबल बनते हैं। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य उपाय होते हैं जिसे आप व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिशा, दूरी, नाम, इन सब चीजों की जानकारी देता हूं। तो पहले मैं आपको मेष राशि के बारे में बताता हूं। तो मेष राशि के जातक जो है उनके जो राशि स्वामी है वो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर जो है ALE से शुरू होता है और इनके दक्षिण दिशा में शादी होने के प्रबल योग बन रहे। वहीं बात करें नाम की तो PRM यानी कि तुला राशि के जातक, इसके अलावा कन्या राशि के जातक और सिंह राशि के जातकों से विवाह के योग रिश्ते आ सकते हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए तो मेष राशि के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बंधना प्रबल योग बना रहा है। तो मेष राशि के जातकों के जो है दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो PRM नाम के जातकों में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। वहीं बात करें दूरी की तो दूरी जो जीवन साथी के भाव में राशि उपस्थिति पर निर्धारित की जाती है। तो आप KP की वाणी से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसा जातक का यानी जीवन साथी का स्वभाव होगा, किस फील्ड में होगा, किस क्षेत्र में कार्यरत होगा, इसके अलावा उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, यह सभी जानकारी आप KP की वाणी से कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए जो मैंने आपको बताया है
कि इनके विवाह के प्रस्ताव दक्षिण दिशा से आ सकते हैं, नाम जो है पीआरएम नाम से प्रस्ताव आ सकता है और मैं इसी किसी एक जातक के साथ आप अपने सूत्र भी बन सकते हैं। अगली जो राशि है वो मेष राशि के बाद तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के भी जो है दक्षिण दिशा में विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा नाम की बात करें तो SGM नाम के जातकों से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं, यानी कुंभ राशि, सिंह राशि और मेष राशि के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें किसी एक राशि के जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। इसके अलावा अगली जो राशि है वो राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं और आसान शब्दों में कहें तो धनु राशि के जातकों के साल 2023 में 100% शादी हो ही जाएगी। धनु राशि के जातकों के उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने के प्रबल योग है, यानी कि इस दिशा में धनु राशि के जातकों की शादी हो सकती है। बात करें नाम की तो मेष राशि के जातकों के साथ धनु राशि के जातकों का जो है विवाह करना श्रेष्ठकर होता है, यानी ALA नाम से। अगली जो राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर D से शुरू होता है। इस राशि के जातकों के पश्चिम और दक्षिण दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। बात करें नाम के तो कुंभ राशि के जातक, धनु राशि के जातक और मीन राशि के जातक जो है, मिथुन राशि के जातक जो है वो मकर राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठकर होता है और इन नामों से ही अगर विवाह प्रस्ताव आता है तो उनमें से किसी एक जातक के साथ आप परमे सूत्र भी बन सकते हैं। तो मकर राशि के बाद जो है कुंभ राशि के जातकों के, जब कुंभ राशि शनि की दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी तो उसके पश्चात जो है अचानक से रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों का नाम अक्षर S और G से होता है और इनके विवाह प्रस्ताव जो है वो PRA नाम से आ सकता है, यानी कि PRA कन्या राशि, तुला राशि, इसके अलावा मेष राशि के जातकों के साथ विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, इनमें से किसी एक राशि के जातक के साथ आप पर्ण सूत्र में बन सकते हैं। वहीं बात करें दिशा की तो दिशा पश्चिम दिशा हो सकता है। वहीं बात करें दूरी की तो अधिकतम दूरी जो है 80 से 100 किलोमीटर हो सकती है। अगर आप कुंभ राशि के जातक है तो 7.5 के दूसरे चरण में जो है शिव जी की पूजा अर्चना उपासना अवश्य करें। वहीं आपके आराध्य देव शिव जी ही है और राशि स्वामी जो है शनिदेव है, तो आप अगर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा उपासना अवश्य विधि विधान पूर्वक करें। यकीन जानिए उनकी कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी, महाकाल की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के वर्तमान समय में गुरु का गोचर मीन राशि में हो चुका है और मीन राशि में 22 अप्रैल तक गुरु का गोचर रहेगा, तो इस दौरान मीन राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के उत्तर पूर्व दिशा में शादी के योग प्रबल हैं। दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्व यानी उत्तर या पूर्व दिशा में अगर आप विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं उस दिशा से विवाह प्रस्ताव आता है तो पर्ण सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो SGB यानी कि कुंभ राशि के जातक, इसके अलावा वृषभ राशि के जातक आपके लिए श्रेष्ठकर होते हैं और इस राशि से विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। क्या करना चाहिए आपने, तो आपके आराध्य देव जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, राशि स्वामी गुरु हैं, यानी बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति हैं। धनु राशि के जातकों के भी राशि स्वामी जो हैं देव गुरु बृहस्पति हैं और उनके राशि आराध्य देव जो हैं श्री हरि विष्णु जी हैं, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण शरण में रहिए, उनकी पूजा उपासना कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए। इसके अलावा हर गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु जी की पीले फूल, पीले फल, पीले निष्ठान आदि से करें। वहीं लड़कियां जो है जल में हल्दी मिलाकर जो है केले के पौधे में जल का अर्घ दें, तो इससे जो है विवाह के योग बनते हैं और साल 2023 में 22 अप्रैल तक आपके प्रबल योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 6 राशियों की जानकारी दी है जिनके अचानक से रिश्ते आ सकते हैं और अमीर घराने उनके विवाह प्रस्ताव हो सकते हैं। इसके अलावा जो शादी है उन 6 राशि के जातकों के 100% हो जाएगी। तो ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य मैं आपको सूचना पहुंचाना था। अगर सूचना पहुंचाने में सनुज से कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है और हमने सभी वीडियो में ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही जानकारी दी है, इसके अलावा इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे, KP की वाणी की प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां अपनी राशि अनुसार से वीडियो अवश्य देखें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। भूमिका नामक जातक ने जो है एक सलाह दी है कि आप फ्री में क्वेश्चन आंसर लाइव में करें, तो यकीन जानिए भूमिका जी जल्द ही हम इस सेगमेंट पर कार्य करेंगे और हम आपके बीच लाइव कार्यक्रम में भी प्रेजेंट रहेंगे। आप लोग इसी तरह हमारे साथ सजेशन सलाह अवश्य देते रहें।
तो माता रानी कृपा आप पर बनी रहे, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे, कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, तरक्की उन्नति प्रगति की राह पर अग्रसर रहे। माता रानी आपको सद्बुद्धि दी। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।